हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वर्तमान में आपने देखा होगा यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का स्टेटस वेरीफाई भी हो रहा है और बहुत सारे बच्चों का पहले से भी वेरीफाइड है। ठीक है, अब उनके पैसे आने के बारे में आपको मालूम है कि मई के लास्ट में, अब चूंकि मई के लास्ट में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें डेट मेंशन था, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मई के लास्ट में आने की उम्मीद कम है, तो जून में आपका पैसा जाकर के जून के बीच में भी आ सकता है, जून के लास्ट में भी आ सकता है। तो उससे पहले ये काम आपको जरूर करना है। क्या करना है? अपने बैंकिंग का स्टेटस चेक करना है। बहुत सारे बच्चों का जब पहली बार स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया था तो उनका डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो बैंक है वो कहिए कि एनपीसीआई से मैप नहीं था, डिजेबल हो गया था। ठीक है, आपको कैसे चेक करना है ये थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के एनपीसीआई सर्च करना है, एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे इस पर विजिट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे एक देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको कंज्यूमर का। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको भारत आधार सेडिंग इनेबलर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करना है, और उसके बाद से चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है, उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए फिलअप करके फिर मैं आगे को क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका आपका आधार नंबर होगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट दिख जाएंगे। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड आपका दिखाना चाहिए, इनेबल फॉर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपका इनेबल है। अगर यहाँ पे बच्चे इनेबल को लेकर के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, अगर यहाँ पे आपका डिजेबल दिखाता है या फिर कहिए कि इनएक्टिव दिखाता है तब कहिए कि समस्या है। अगर आपका इनेबल दिखाता है तब कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आपकी सारी चीजें सही है। लास्ट अपडेटेड डेट दिख जाएगा। अब नीचे से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे आपका देख लेना है कि इनेबल्ड है या फिर नहीं, कि डिजेबल या फिर इनेक्टिव तो नहीं है, पता चले कि आपका पैसा भेजा जाए कुछ दिन बाद और आपका पैसा आए ना। और पिछली बार बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, जब पहली बार पैसा भेजा गया था उनका डायरेक्टली पीएफएमएस में मेंशन होकर आ रहा था कि आपका से बैंकिंग सेविंग स्टेटस रिमूव हो गया है, हट गया है, एनपीसीआई से मैप नहीं है, इस तरीके की समस्या आ रही थी। और बाद में जाकर उनका पैसा भी भेजा नहीं गया। तो जिनका वेरीफाइड है फॉर्म वगैरह, वो जाकर के एक बार चेक कर लेंगे कि आगे चलकर अगर आपका पैसा भेज जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा आए ना। तो इस तरीके से आप अपने बैंकिंग का सेविंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।